नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। आज हम अपने इस वीडियो में आपको कैपेसिटर्स के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हैं। कैपेसिटर्स के कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के काम आते हैं, और लेकिन ये बैटरी से थोड़े अलग है क्योंकि इसको हमको एक्सटर्नली चार्ज करना पड़ता है, मतलब बाहर से पहले चार्ज करो फिर स्टोर करके रखेंगे उसको। कैपेसिटर्स के दो लेग्स होते हैं, जो लंबा वाला है लॉन्गर वन है वो पॉजिटिव है, और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव है। अगर आपके पास कोई ऐसा कैपेसिटर है जिसके ऐसे लेग्स नहीं है, मतलब पूरे लेग्स नहीं है जो यूज्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक वाइट कलर की लाइन है, जिसके दोनों लेग्स बराबर है उसके अंदर वाइट कलर की लाइन है, तो उससे आपको पता चलेगा जिस तरफ भी वाइट कलर की लाइन है वो नेगेटिव है और जो दूसरा वाला है वो पॉजिटिव है। जो कैपेसिटर्स है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो कि एक इंग्लिश एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे माइकल फेरेडे, उन्होंने दिया था। उन्हीं के होनर पे उन कैपेसिटर का ऐसा यूनिट पड़ा जो है फेरेड, और इसका सिंबल है ये। एक फेराड बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है, तो हम फेराड बहुत ही कम यूज करते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी क्वांटिटीज ज्यादा यूज में लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कॉपी पे है, एक फेराड है वो 10^-6 माइक्रो फेराड्स के इक्वल होता है, और एक फेराड 10^-9 नैनो फेराड्स के इक्वल होता है, और एक फेराड 10^-12 पिको फेराड्स के इक्वल होता है। तो ये माइक्रो फेराड, नैनो फेराड और पिको फेराड्स, ये तीन क्वांटिटीज हम ज्यादा यूज में लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैपेसिटर्स के टाइप्स। सबसे पहले है एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। ये जो गोल सिलेंड्रिकल थिंग कैपेसिटर्स है, ये है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। उसके बाद है पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर्स। अगला टाइप है, वो भी एक पॉलिएस्टर फिल्म है लेकिन ये बॉक्स टाइप पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर्स है, और अगला है सिरामिक कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर की वर्किंग हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैपेसिटर्स के अंदर होता क्या है। तो हमने आपके लिए कैपेसिटर पहले से ही खोल के रखा हुआ है, जब हम आपको दिखाएंगे। ये कैपेसिटर है, इसका हमने केसिंग हटाई, आयरन शेल हटाया, और अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर्स एक साथ बंधे हुए हैं। तो अभी हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको। अब हमने इसको खोला है, इसकी टेप हटाएंगे जिससे कि ये पूरा खुल जाए। अब आप देख सकते हैं ये जो दो पकड़े हुए हैं वो इंसुलेटर्स है, और इसके बीच में जो डार्क कलर की जो आ रही है वो कंडक्टर है, ये प्लेट कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। ये थोड़ी बीच में से टूट चुकी है, कुछ नहीं, थोड़ा अंदर चिपचिपा है, ऑयली है, सब्सटेंस है, कुछ नहीं। तो अब हम इसकी वर्किंग बताएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक कैपेसिटर के अंदर होता क्या है, एक कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, बीच में एक इंसुलेटर होता है जिससे वो अलग अलग हुई हुई रहती है। तो अब हम आपको ये काम कैसे करता है वो बताएंगे। ये एक कैपेसिटर का डायग्राम है, इसके अंदर दो कंडक्टर्स लिए हुए हैं, दो कंडक्टर्स है। जैसा कि आप जानते होंगे सब पे इक्वल चार्ज होता है, तो दोनों कंडक्टर्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। जैसे जब भी हम इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो थोड़ी देर बाद जो जिस तरफ हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करा है, उस तरफ
की प्लेट से सारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उस वाली प्लेट में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और जिस तरफ हमने नेगेटिव टर्मिनल अटैच करा है उस प्लेट से सारा पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा और सिर्फ नेगेटिव बचेगा। अब हम बैटरी हटा लेते हैं क्योंकि एक ये चार्ज हो चुका है, इसको डिस्चार्ज करने, इसको चार्ज होया है या नहीं होया है या फिर ये डिस्चार्ज करने के लिए आप इसमें एक सिंपल LED लगा सकते हैं रजिस्टर के साथ। जैसे ही आप इसके LED लगाएंगे जो चार्ज है वो फ्लो होगा LED के थ्रू और नेगेटिव वाले में चला जाएगा, जिससे चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे और आप ये देखेंगे कि LED थोड़ी देर के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्लो करी थी। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ये एक मल्टीमीटर है और ये हमारे पास सप्लाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्जर की सप्लाई है, ये 5 वोल्ट चार्जर है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 वोल्ट बता रहा है। अब हम इसे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैपेसिटर में चार्ज है या नहीं है। जैसे हमने इसको लगाया, जैसा कि आप देख सकते हैं मिली वोल्ट में बता रहा है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। अब हम इसको चार्ज करेंगे, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव पे और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव पे। ये बहुत है, ये चार्ज हो चुका है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें भी 5 वोल्ट चार्ज आ चुका है। तो अब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करते हैं वो बताएंगे। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए आप एक कोई भी कंडक्टर पे उस कैपेसिटर के दोनों लेग्स लगा के उसको शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हम अभी ये एल्यूमिनियम फॉइल से आपको दिखाएंगे। फ्रेंड प्लीज ऑफ द लाइट। ऑन प्लीज। जैसा कि आपने देखा एक छोटा सा स्पार्क हुआ था, वो इसकी वजह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तब हम आपको वापस दिखाते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 117118 मिली वोल्ट्स, जिसका मतलब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। ये थोड़ा 25 वोल्ट का है। अगर आपके पास कोई हाई पावर का कैपेसिटर हो तो उसको डिस्चार्ज ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत सारा स्पार्क हीट एनर्जी निकलेगी। तो उसके लिए आप एक रजिस्टर लीजिए और एक कैपेसिटर के दोनों लेग्स पे रजिस्टर लगाइए, जिससे धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर का किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं और वो कैसे, उसको कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।